तो आज जो है कार होल्डर की होगी अनबॉक्सिंग, जो कि बी के एन कंपनी का है और तीन कलर्स में आता है। मैंने जो चूज़ किया वो किया ब्लैक एंड ग्रीन। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत नीड थी मुझे भी कार में, तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया और अनबॉक्सिंग के लिए मुझे लगा यही जो है 360 डिग्री में अवेलेबल है, तो मैंने यही मुझे अच्छा लगा सबसे, तो मैंने इसी ही ऑर्डर किया। देखते हैं क्वालिटी कैसी है, चेक करते हैं एक बारी। काफ़ी कुछ पैकिंग में आ चुका है इसमें, ये रैप किया अनरैप और काफ़ी जगह टेप लगी हुई है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कैसी क्वालिटी होगी। एक और पन्नी लगी हुई है उसी में, तो कुछ क्वालिटी तो मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और कलर भी मैंने लगता है सही चूज़ किया है, जो कि ग्रीन और ब्लैक कलर में, क्योंकि ब्लैक जो है ज़्यादा डस्टी दिखता नहीं है डस्ट। तो इस क्वालिटी तो अच्छी है और चीज़ें इसमें दो है, टू इन वन है ये। और ये देखो ऐसा कुछ दिखा, सॉलिड प्लास्टिक, सॉलिड रैपिंग, बिल्कुल 360 डिग्री की तरफ जो उन्होंने बताया था बिल्कुल सही है। ये लगेगा कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करने के बाद ये जो पार्ट है ये देखिए, इसमें यहाँ से प्रेस करोगे तो ये ठीक से प्रेस हो जाएगा और ये हो गया बिल्कुल, देखो 360 रोटेशनल। ये जो है गाड़ी में लगेगा नीचे वाला हुक, नीचे वाली साइड से, और ये जो है देखिए एकदम कलर परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही कलर ब्लैक के साथ ग्रीन। और यहाँ से ये देखिए फ़ोन लग जाएगा आसानी से 360 रोटेशन के साथ। और ये देखो यहाँ पे जो एक दे रखा है प्रेसिंग के लिए, जो कि गाड़ी में, और यहाँ पे नीचे लगी हुई है एक छोटी सी पन्नी जो कि डैशबोर्ड पे चिपकेगा परफेक्टली। पहुँच गए हम गाड़ी के डैशबोर्ड पे, राइट साइड में डिसाइड किया है कि राइट साइड में ही लगाऊंगा, मिडल में नहीं लगाऊंगा, तो राइट साइड में फ़ोन होगा। यहाँ पे मैंने फाइनली प्रेस कर दिया और काफ़ी अच्छी पेस्टिंग देखने को मिल रही है और परफेक्ट लुक एकदम दिखने को मिल रही है मुझे। यहाँ पर रोटेट भी हो जाएगा इजीली, तो ये रही परफेक्ट फाइनल जगह। फ़ोन अटैच के बाद लुक्स देखिए, परफेक्ट